तो जैसे ही मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म को सर्च किया तो वहाँ पे मुझे लगा कि iExamBee को मीन्स जो सुशील सर हैं, स्पेशली सुशील सर के लिए, उनकी वजह से मैं iExamBee ज्वाइन किया था। बट ज्वाइन करने के बाद तो इंटर प्रोग्राम के बाद तो इतने सारे मेंटर मिल गए मुझे। Hello everyone, welcome to iExamBee. And today we have with us Mr. Ashwini, who has cleared RBI Grade B officer exam this year in 2023. So many congratulations, Ashwini. थैंक यू सो मच मैम, थैंक How यू do मैम। you feel? It must be very, very elating, especially जब ये आपका फिफ्थ अटेम्प्ट था, आप कंसिस्टेंसली यस काफी मैम, सालों से ट्राई कर रहे हैं एग्जाम के लिए. यस मैम, एक्चुअली सो इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग, कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स एक्चुअली, बट फॉर मी, माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स, इट वाज अ ग्रेट मोमेंट। सो माय हार्ड वर्क पेड दिस टाइम, सो आई वाज, यू कैन से, वेरी सेटिस्फाइड that I prepared, I was preparing, and at last I got to the benchmark that I decided to achieve. Yes, so I'm happy. ग्रेट ग्रेट. आई एम श्योर. मतलब जो आपने बोला ना कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो एक्चुअली ऐसी खुशी जब होती है ना, तो बहुत डिफिकल्टी लगती है कि क्या वर्ड्स में बोले. ये जस्ट समटाइम्स यू इवन गो नम विद हैप्पीनेस. सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट फीलिंग. सो मैं एक ब्रीफ देती हूँ अश्विनी के बारे में, अश्विनी की ये लॉन्ग जर्नी जो रही है. सो अश्विनी बीटेक उन्होंने की थी 2015 में. उसके बाद ही ट्राइड फॉर वेरियस एग्जाम्स एंड उनका NIACL भी क्रैक हुआ था. एंड आफ्टर दैट ही ऑल्सो गेव नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्जाम एंड ही क्लियर दैट इन 2019 20 वाला यस साइकिल. एंड देन ही यस इज बीन वर्किंग एज अ डेवलपमेंट असिस्टेंट इन नाबार्ड सिंस देन. बट ये 2018 से RBI का एग्जाम भी दे रहे हैं कंसिस्टेंटली. तो ये इनका फिफ्थ अटेम्प्ट था. एंड मोर इंटरेस्टिंगली वो इंटरव्यू स्टेज दो बार पहुंच चुके हैं इससे पहले, एक बार 2018 अर्ली में और एक बार 2022 में. एंड दिस ईयर ही हैज ग्रैड. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे. हम पहले भी बात कर रहे थे अश्विनी से, एंड इन्होंने डिफरेंट साइकिल देखे आरबीआई एग्जाम की, पैटर्न चेंज भी देखा है, एंड नाबार्ड जैसे एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर किया, आरबीआई के लिए भी किया, एंड फाइनली उनका ड्रीम आज उन्होंने अचीव किया है. तो आगे थोड़ा सा और सुनते हैं अश्विनी से ही. दिस वॉज अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट हिम. सो अश्विनी, आई विल स्टार्ट विद यू नो वन सिंगल सबसे पहला क्वेश्चन कि आरबीआई जब आपने टारगेट करना शुरू किया, तो उस समय आपने कैसे यस प्रेपरेशन की थी, एंड स्टेप बाय स्टेप एवरी ईयर आपकी प्रेपरेशन कैसे चेंज हुई? ओके, सो आफ्टर ग्रेजुएशन मैम, मैंने टू अटेम्प्ट्स यूपीएससी के दिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के। सो एट दैट टाइम दैट प्रिपरेशन हेल्प मी टू गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वेरियस कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज यूपीएससी स्टडी इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। सो वहाँ से मुझे बेसिक चीज़ें पता लगी, एंड दैट आफ्टर व्हेन आई कुडंट क्लियर इवन प्रीलिम्स इन टू अटेम्प्ट्स, सो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ अपने जॉब सिक्योर करनी चाहिए, एंड देन ड्यूरिंग दैट जॉब आई विल अगेन गिव द अटेम्प्ट। सो आई ट्राइड इन बैंकिंग सेक्टर, सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग सेक्टर। 2018 में मैं एक्चुअली कर तो बैंक पीओ की तैयारी रहा था, बट आई गॉट टू नो अबाउट आरबीआई ग्रेड बी, सो मैंने उस टाइम फिल कर दिया एग्जाम, बट आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि आई कुड क्लियर इट। सो बट थ्रू माई अंडरस्टैंडिंग और थ्रू द वेरियस स्टडी मटेरियल आई गॉट, सो आई गॉट अप टू इंटरव्यू, एंड द फाइनल लिस्ट आई मिस जस्ट बाय 10 मार्क्स, एंड सरप्राइजिंगली दैट वाज बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। दैट टाइम आई डिडंट स्टडी मैनेजमेंट बिकॉज आई थिंक कि आई कुडंट क्लियर दिस बिग एग्जाम, बट आई वॉज रॉन्ग बिकॉज इन 5 अटेम्प्ट्स दैट आई हैव मेड। सो लाइक मैंने देखा है कि कैसे एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, कि कैसे तब मैनेजमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे और अब आप को एनालाइज करके ही मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं। सो इट वाज लाइक आई ओपनर्स फॉर मी, एंड दैट आफ्टर दैट अटेम्प्ट, सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि अब मेरा हो सकता है एग्जाम, सो मैं इस एग्जाम के पीछे पड़ गया, देन आई हैव टू क्लियर इट। सो ठीक है, मैंने जॉब सिक्योरिटी के लिए मींस नाबार्ड ज्वाइन किया, बिकॉज दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड कैन से माइंड की सिक्योरिटी के लिए चाहिए आपको वो चीज़। सो उसके बाद मैंने डिफरेंट कोर्सेज तो मैंने कभी नहीं खरीदे किसी भी उससे, बट ऑनलाइन ही मैंने स्टडी की है। मैंने हमेशा मींस जो मेरा मुझे लगता है कि प्लस पॉइंट है, मैंने न्यूज़पेपर हमेशा फॉलो किया है। वहाँ से जो आपका स्टडी मटेरियल, जो भी एग्जाम से रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं, वहाँ मैंने गैदर किए, अपने सेल्फ नोट्स बनाए, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। यस मैम, ओके. सो अगर हम जैसे बात करें, अभी 3 फेजेस में एग्जाम होते हैं, राइट?
आपने मेंशन किया मैनेजमेंट का, मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसके लिए बाद में बात करूंगी आपसे. तो फेज वन जैसे क्यूआरई रहता है, तो क्यूआरई में आपका क्या था? क्योंकि डे बाय डे एवरीबडी कीप सेइंग, और हम देख भी रहे हैं कि क्वांट के और रीजनिंग के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, एंड कई लोगों को डिफिकल्टी होती है क्वांट एक्चुअली कट ऑफ मीट करने में. तो आप जॉब के साथ कैसे इसको मैनेज कर रहे थे, क्यूआरई की प्रिपरेशन को? और जीए के लिए जैसे आपने बोला कि आप न्यूज़पेपर तो बहुत रेगुलरली पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ने समय आप कैसे नोट्स बनाते थे, कैसे अपने जीए का रिविजन करते थे? क्यूआरई के लिए मैम एक चीज कहूंगा, मुझे वैसे पर्सनली कभी प्रॉब्लम हुई नहीं क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में, शायद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की वजह से या फिर और चीजें भी मैटर की, जैसे मैंने और एग्जाम्स की तैयारी की बैंक पीओ में, या फिर मैंने थोड़ा एसएससी के एग्जाम भी दिया, तो वहां से मैंने मीन्स जो अपने जैसे कोई भी एक टॉपिक है क्वांट का ही ले लीजिए, कोई टॉपिक है तो उसके बारे में मैंने बेसिक पढ़ लिया। अब उसके बाद आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड रहता है, आप जितने बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको उसमें मास्टर मास्टर मिलेगी। तो वही होता है कि आपको एक जस्ट एक आपने किसी भी टॉपिक का बेसिक समझ लिया, उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा। तो व्हाट आई वाज डूइंग की क्यूआरई के लिए जब भी एग्जाम होता था फ्री, तो उसके 15 से 20 दिन पहले मैं जितने भी मीन्स पोर्टल हैं, जैसे आपने सेक्शनल आपने मीन्स कोई एग्जाम है उसको आप करते जाइए, 15 रोज 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट किए, दैट इज इनफ सो आई थिंक। और न्यूज़पेपर क्या मैं फिर बोलूंगा, वहां से भी जैसे आप एडिटोरियल पढ़ते हैं वहां से आपकी इंग्लिश में आपकी जैसे कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज हैं वो भी इंक्रीज होते हैं, आपके मेंस में भी काम आते हैं इंग्लिश के पेपर, तो वहाँ पे भी आप मीन्स मैंने इम्प्रूव किया, तो वो भी हेल्प किया, क्यूआरई सेक्शन ऐसे टैकल किया हमने। ओके ग्रेट. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं थोड़ा रिपीट करूंगी यहाँ पे कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. क्योंकि एक बार आपको पता चल गया, कई बार हमें लगता है अब हमें कॉन्सेप्ट पता चल गए, हमको फॉर्मूला समझ में आ गया, हमें शॉर्ट ट्रिक पता चल गई, तो अब हम कर लेंगे. बट द की टू क्यूआरई क्रैकिंग इज अ लॉट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस. उससे आपकी प्रैक्टिस एक्यूरेसी बढ़ती है, उससे आपकी स्पीड बढ़ती है, उससे आपको क्वेश्चंस देख के आप एक उसका सोल समझ पाते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. एंड जीए के लिए भी इन्होंने जैसे बताया कि क्वेश्चन मतलब आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, अपने नोट्स बनाते रहने हैं, यस आप मैगजीन्स को रेफर करके उनका मेनी टाइम्स रिविजन भी कर सकते हैं. तो दैट यस दैट हेल्प्स टू बिल्ड योर जीए. तो दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस एक और पॉइंट जो मैंने नोट किया अश्विनी जब बोल रहे थे कि उन्होंने एक्चुअली पीओ का एग्ज़ाम देने गए थे और फिर आरबीआई का पता चला, तो उन्होंने आरबीआई दिया. एंड पहले तो वो इस एटीट्यूड से ही गए थे कि पीओ का मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, आरबीआई कहाँ दूंगा और कहाँ होगा मेरा. तो कितनी बार हम खुद अपने पोटेंशियल को जानते नहीं हैं, हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि क्या अचीव किया जा सकता है, क्योंकि हम सबको सुन रहे होते हैं, हम अपने आप ही कंपेरिजन करने लगते हैं सबकॉन्शियसली. तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि यस हम एम हाई करें और उसको हम आई एम श्योर अचीव भी कर पाएंगे, तभी हम सोच पाएंगे उस डायरेक्शन में. यस तो मैम एक्चुअली अपना हमें स्ट्रेंथ वीकनेस समझना बहुत बहुत ज़रूरी है. एंड यस इसके लिए कई बार मेंटर्स, कभी फ्रेंड्स, कभी फैमिली इसमें हमें हेल्प करती है वो आइडेंटिफाई करने में. तो वो काफ़ी काफ़ी ज़रूरी यस है. मैम वो डायरेक्शन मिलना भी बहुत ज़रूरी है हमें, कि हम बहुत जरूरी है कई बार हम यस अपने पोटेंशियल को खुद नहीं समझ पाते हैं. तो वो यस पोटेंशियल मैम हमें जो बता पाए, हमें वो डायरेक्शन दे पाए, वो मेंटर्स की भी काफ़ी हेल्प रहती है. अश्विनी यस जैसे मैम बता रहे थे, एक्चुअली तो अश्विनी फेज टू की बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद मैनेजमेंट फॉर अ चेंज. नहीं तो ज़्यादातर हम लोग इकोनॉमिक्स फाइनेंस की बात करते रह जाते हैं. मैनेजमेंट यूजुअली यस स्टूडेंट्स का यही रहता है कि वो लास्ट में थोड़ा पढ़ लेंगे और दे देंगे, मैनेजमेंट हो जाएगा. आपने जैसे बताया कि आपका एक्चुअली मैनेजमेंट की वजह से एक बार रह गया था, यस तो कैसे आपने अप्रोच किया मैनेजमेंट की प्रेपरेशन, एंड पहले आपने क्यों नहीं उसको ध्यान दिया था? पहले तो मैम 2018 में तो मुझे एग्जाम के बारे में पता ही नहीं था, निटी गिटीज क्या होते हैं एग्जैक्टली मीन्स क्या क्वेश्चन आते हैं, तो जब मुझे लगा कि हाँ आई कैन ऑल्सो क्लियर इट सो आई डिग इन डीपर, तो फर्स्टली मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं, सो आई थिंक कि प्रीवियस ईयर पेपर को भी इग्नोर किया जाता है, वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले आपको यही चीज़ देखनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर कम से कम 3 साल के वो उठा के देखने चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसी वे में हमें उस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए उस सेक्शंस को, जैसे मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैंने वहां से थोड़ा एक आइडिया लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आरबीआई पूछ रहे हैं, तो वहां से फिर मैंने थोड़ा मीन्स जो भी फ्री मटेरियल था आई डिडंट बाय एनी कोर्स एट एनी पॉइंट, तो मैंने जो फ्री मटेरियल था वहां से मेरे नोट्स बनाए, बिकॉज ये तो मीन्स ये सच है कि मैनेजमेंट में आपको बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक्स भी करने के लिए एक बार तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एंड देन प्रैक्टिस तो उसमें भी चाहिए,
आपको डेली क्वेश्चंस, मतलब जब भी एग्जाम होगा आपका, तो पहले से आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको उनके मीन्स करने पड़ेंगे अटेम्प्ट क्वेश्चंस। सो इन दैट की वो क्वेश्चंस भी आपके वो होने चाहिए कि जो एग्जाम लेवल में आए ना, आपको बहुत ज्यादा टफ भी करने का फायदा नहीं है, बहुत ईजी भी करने का फायदा नहीं है। तो इन दैट आई कैन से कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आई एग्जाम भी एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस का लेवल है वो एग्जाम के, ऐसा तो नहीं होगा वही आएंगे, बट लेवल आपका वहाँ मैच होता है। तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस को लेके, कॉन्सेप्ट्स को लेके, वो बनती है, तो वो बहुत जरूरी है। तो आई एग्जाम भी जैसे प्री मॉक टेस्ट हमेशा आई एग्जाम भी के फ्री रहते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है, आपको वहाँ पे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और इट हेल्प मी मीन्स टू गेट माई क्वेश्चन बैंक रिचर। सो एट दैट पॉइंट यस आई कैन से एग्जाम भी हेल्प मी अलॉट। बाकी मीन्स मैंने यही किया था कि मैनेजमेंट के एक प्री मटेरियल से अपने नोट्स बनाए, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाए, बहुत डिटेल नहीं, और मैंने मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। इन दैट वे आई टैकल मैनेजमेंट। यस ग्रेट ग्रेट पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि मैनेजमेंट थोड़ा सा क्लोजर टू मी टू हार्ट है, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ ये वाला सब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट. तो मैं जैसे आपने बोला ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ये बहुत ज़रूरी है. मैं भी बार बार रिपीट करती हूँ कि थ्योरी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है मैनेजमेंट की, एंड जिस तरीके यस से क्वेश्चंस चेंज हुए हैं ओवर द ईयर्स, अब थोड़ा सा यस मैम, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत हम पूछ रहे थे। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बस दैट कि थोड़ा सा आपको डेप्थ या समझना है कि एग्जैक्टली उनका पूछना वो क्या चाह रहे हैं, क्यों पूछना चाह रहे हैं, और फिर यस वो याद करके आपको आ जाता है. मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, यस बट मैम, यस क्वेश्चन प्रैक्टिस हेल्प्स इन दैट, क्योंकि वो आपको यस मैम, सोचने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करती है, या फिर आपके ओपन करती है दिमाग को कि इस तरीके से सोचिए. एंड वंस यू आर ओपन एंड एक्सपोज टू दैट, फिर आप कर लेते हैं. तो इतना कोई यस मैम, डिफिकल्ट नहीं है. तो नहीं है। यस एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग द मॉक टेस्ट ऑफ आई एग्जाम भी. वही हमारा एंडेवर रहता है कि सबको हम सारे क्वालिटी क्वेश्चंस, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए, एंड वो फ्री हम इसीलिए रखते हैं ताकि एनी बडी एवरीबडी शुड हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग एबल टू अटेम्प्ट दोज एंड ऑल प्रैक्टिस देम. यस तो मैम, ग्रेट, आप वो 300 क्वेश्चन सीरीज का भी सर का बता रहे थे यस एक्चुअली कि मैम, सो इन ईएसआई एंड फाइनेंस, मोस्टली इन फाइनेंस, सो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस लाइक, तो सीपी जोशी सर का मींस जब भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आता है, तभी एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि 300 क्वेश्चंस शुरू हो चुके हैं। तो वी वेट आई पर्सनली वेटेड फॉर दैट वीडियो, बिकॉज जो उनकी वो सीरीज में 20 क्वेश्चन पर डे डालते हैं, वो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि यार ना तो आप ओवरलोड हो गए, ना आपका बहुत टाइम जाएगा वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए, स्पेशली कि आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो वो 20 क्वेश्चन डेली डेली का तो कम लगता है 20 क्वेश्चन, बट वो जब एग्जाम तक वो 300-400 क्वेश्चन बैंक होता है, वो भी क्वालिटी क्वेश्चन बैंक। सो आई रियली अप्रिशिएट एफर्ट ऑफ हिम एंड एग्जाम बी टीम कि वो इतने क्वालिटी क्वेश्चन आते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपके ऐसा जरूरी नहीं है, वो सर भी बोलते हैं अपनी वीडियो में कि ऐसा जरूरी नहीं है क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, बट आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको टैकलिंग का तरीका पता लगेगा एग्जाम में, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। सो एनी प्लेटफॉर्म कैन नॉट प्रिडिक्ट कि हाँ ये क्वेश्चन आ जाएगा, और इतने डायनेमिक एग्जाम हो चुका है तो आप प्रिडिक्ट तो कर ही नहीं सकते, बट लाइक कि जो वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट डिटेल, कि आपको कितनी डिटेल तक पढ़ना है इस टाइप के क्वेश्चन, तो वो उस चीज में बड़ी हेल्प करती है वीडियो। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट वीडियो सीरीज ऑफ 300 क्वेश्चन। थैंक यू अगेन अश्विनी फॉर हाईलाइटिंग दैट. मतलब एक्चुअली जब आप ये सब बताते हैं ना, तो हम जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा और क्लियर कर पाते हैं. जो हम आप लोग ने शायद कई वीडियोस में नोटिस किया हो, जो हम बोलते हैं 50% फास्टर प्रिपरेशन, एंड वी ऑल्सो से कि वे हेल्प अनफोल्ड द पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स. एक्चुअली दिस इज वॉट इट इज, जो आपने बताया ना कि कैसे अप्रोच करें, कितनी डेप्थ तक टॉपिक को पढ़ें, कैसे क्वेश्चन को पढ़ते समय समझें कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, एंड आपके पोटेंशियल उस लेवल तक लाना कि आप खुद उसको एस्टिमेट कर पाए. क्योंकि एज यू सेड, ऑफ कोर्स कवरेज मैक्सिमम करने का हमेशा ही रहता है, एंड काफ़ी हम कर भी पाते हैं. एंड दिस कम्स विद दिस एक्सपीरियंस एंड एक्यूरेसी एंड एक्सपीरियंस ऑफ आर फैकल्टी ऑफ गिविंग द एग्जाम वो करके. बट अल्टीमेटली स्टूडेंट अपने पोटेंशियल तक बेस्ट करके वो अपना पोटेंशियल हायर यस थैंक इंक्रीज यू कर मैम, पाए, वो अगर एम होता है. तो आपने जब ये चीज़ बोली तो वी फेल्ट कि हम वो पॉइंट पहुंचा पाए आप तक, एंड हेल्प कर पाए, एंड पर्पस हम पूरा कर पाए जो हम कर रहे हैं उसका. सो यस एक्चुअली थैंक्स अश्विनी फॉर स्टेटिंग दैट. सो अश्विनी, आपने डिस्क्रिप्टिव की अगर बात करें, जैसे फेज टू में डिस्क्रिप्टिव भी हो, एंड आपने दोनों पैटर्न्स देखे हैं, जब 100% ऑब्जेक्टिव होता था, एंड अब जब 50% ऑब्जेक्टिव है, एंड अब डिस्क्रिप्टिव है. तो जब डिस्क्रिप्टिव इंट्रोड्यूस हुआ था, आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चेंज करी, एंड अभी इस साल आपने कैसे प्रैक्टिस किया डिस्क्रिप्टिव? हाँ। सो फर्स्ट टाइम तो जब डिस्क्रिप्टिव हुआ, आई वाज हैप्पी कि अब तो मैंने मैनेजमेंट वगैरह सब अच्छे से पढ़ लिया है, अब तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, बट आर बी गेव सरप्राइज कि आपका डिस्क्रिप्टिव भी एग्जाम होगा 50%। सो एक बार तो शौक लगा, और काइंड ऑफ की पूरी स्ट्रेटेजी ही चेंज करनी पड़ेगी मैनेजमेंट की भी, और सारे फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की, सब की।
तो थोड़ा सा हार्ड रहा वो, शायद इसी वजह से उस टाइम फर्स्ट टाइम मैं नहीं क्लियर कर पाया था, बिकॉज आई गॉट अ लिटल टाइम टू होन माई स्किल्स ऑन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। बट धीरे धीरे फिर मैंने वही क्वेश्चन राइटिंग शुरू की, आंसर राइटिंग शुरू की। जैसे कि वो भी मैंने आंसर राइटिंग के लिए भी मीन्स ऐसे कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया कोई भी प्लेटफॉर्म का। वट आई डिड कि वही मेरा न्यूज़पेपर, मेरा बेस्ट फ्रेंड आया था मेरे साथ कि हाँ आपने कोई भी टॉपिक आया, कोई एडिटोरियल आया, तो वहीं से आप क्वेश्चन बनाइए और वहीं से आप फिर उसको अटेम्प्ट करिए। तो वैसे मैंने प्रिपरेशन की धीरे धीरे, जैसे फर्स्ट टाइम, जैसे अब ये आंसर राइटिंग के बारे में सभी बताते हैं, टीचर्स भी हैं वो मैं से बेटर बताएंगे, बट वट माई स्ट्रेटेजी वॉज कि पहले पहले मैं क्या करता था, पूरे पैराग्राफ में आंसर लिखता था तो थोड़े क्रिस्प नहीं होते थे आंसर्स। बट लास्ट टू टाइम से मैंने क्या किया शुरू कि मैंने पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना शुरू किया, लिखना शुरू किया। और वही मैं एडवाइस करूंगा एक्सपीरियंस को। वैसे तो मैम सबकी अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होती है, तो वही फॉलो करना चाहिए जो उसके लिए बेस्ट है। मेरे लिए क्या काम किया कि आपने क्वेश्चंस के जैसे इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है बॉडी पार्ट बनाने, कंक्लूजन वो तो बेसिक रहते ही है, बट बॉडी में भी आपको बिस्ट लिखना है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपका आंसर पढ़ने के लिए, उसको अगर मजा आएगा तो, अगर आपने सब कुछ नहीं भी पॉइंट लिखा हुआ उसके अंदर बट क्लियरली कह रहे हो आप दो पॉइंट भी, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो दैट हेल्प। तो आपका स्ट्रैटेजी था कि भाई मैं सारे पॉइंट्स टू द पॉइंट कवर करूं, गोल गोल स्टोरी ना सारे पॉइंट बनाऊं। ना भी लिखो, यस सारे हाँ पॉइंट लिखो भी मत चाहे, बट जो लिख रहे हो पॉइंट्स में इजी वे में लिखो कि अंडरस्टैंड करना इजी हो, आप जो कहना चाहते हैं वो क्लियरली समझ वो में। क्लियर, वो कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स, डेफिनेटली आई थिंक वो राइटिंग स्किल्स का वही होता है कि आप मोस्ट इजीली मैनर में कैसे कम्युनिकेट कर पाते हो पॉइंट्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यस आई एक्चुअली थिंक दैट्स अ गुड वो भी पॉइंट, प्रैक्टिस के साथ ही आएगा आपके साथ, प्रैक्टिस आप के साथ। प्रैक्टिस करेंगे देन आएगा। ट्रू ट्रू। तो हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको हम क्वेश्चन सोच के एक आंसर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो यस मैम, दैट डेफिनेटली हेल्प। सो ग्रेट। आपने कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे एग्जाम से पहले? हाँ फॉर फेज टू मैम, इस टू। इट विल बी अ लिटल सरप्राइजिंग, मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया मैम ऐसे, मतलब कि मैं ऐसे कि 3 घंटे बैठा हूँ 2 घंटे बैठा हूँ मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऐसा कभी नहीं दिया। मैंने सेक्शनल जरूर दिए हैं, जैसे वीडियोज आती है एग्जाम से पहले 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी मैं पूरी तो नहीं देख पाया, बट थोड़ा थोड़ा मैं वहां से भी देखता था कि कोई नहीं देख पाया, तो जैसे टेलीग्राम पे पीडीएफ भी आ जाती हैं तो वहां से कवर करने की कोशिश करी। बट ये थोड़ा सा मेरा शायद मतलब वही मेरी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से मैं नहीं भी आ पा रहा था, कि मैं मॉक टेस्ट कभी नहीं लिया मैंने फेज टू के लिए स्पेशली। बट ठीक है कि वो शायद मेरी स्ट्रेटेजी मेरे लिए वर्क कर गई कि हाँ मैं उस तरीके से कि हाँ मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ, मैं नोट्स बना रहा हूँ, वहाँ से रिवाइज कर रहा हूँ और वहाँ से मुझे हेल्प होगी। मॉक टेस्ट मैंने कभी नहीं लिया फॉर ओके फेज टू। फॉर फेज टू। यस श्योर श्योर। तो हम वो ट्राई कर सकते हैं मे बी, बिकॉज थोड़ा यस टाइम मैम, मैनेजमेंट एंड ऑल डेफिनेटली आ यस जाता एक्चुअली है उस पे। ग्रेट यस एक्चुअली मैम, ग्रेट अश्विनी। अश्विनी थर्ड फेज की बात करते हैं, इंटरव्यू। सो जब आप यस इंटरव्यू यस मैम, पहुंचे, एंड इससे पहले भी आप दो बार इंटरव्यू पहुंच चुके हैं, एंड जैसे आपने बताया कि आपने वैसे कोर्सेज नहीं लिए थे कभी भी, तो क्या मोटिवेट किया आपको इस बार कि आप इंटरव्यू कोर्स ले लो आई एग्जाम बी के, एंड मतलब दैट टू एट अ प्रीमियम आपने सोचा, तो व्हाट मोटिवेटेड यू? क्योंकि अभी तक आपने कभी भी कोई कोर्स लिया नहीं, और आपने बताया भी कि प्रेपरेशन के लिए नहीं किया, तो फिर इंटरव्यू के लिए कैसे आपने कोर्स लेने का सोचा? तो मैम जैसे हमारी जैसे सक्सेस स्टोरीज होती हैं, जैसे एग्जाम भी अभी शेयर भी कर रहे हैं इस साल के लिए, हर साल शेयर करते हैं, तो वहाँ से जैसे जब स्टूडेंट्स ने बताया कि एक मीन्स मेंटर की कितनी इम्पोर्टेंस होती है कि आपको हर पॉइंट पे जो गाइड करे, तो जैसे ही मैंने जिस मीन अलग अलग प्लेटफॉर्म को सर्च किया तो वहाँ पे मुझे लगा कि आई एग्जाम बी को मीन्स जो सुशील सर हैं, स्पेशली सुशील सर के लिए उनकी वजह से मैं एग्जाम बी ज्वाइन किया था। बट ज्वाइन करने के बाद तो इंटर प्रोग्राम के बाद तो इतने सारे मेंटर मिल गए मुझे, बट हाँ तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली कि हाँ मुझे एक मेंटर की ज़रूरत है, और वो भी एज अ सुशील रगड़े सर, तो मैंने उनकी वीडियोस देखी तो वहाँ मुझे लगा कि हाँ तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए। और जब मैंने ज्वाइन किया तो मीन्स एट द फर्स्ट डे की इतना मीन्स एंगेजिंग प्रोग्राम था ये, कि हर पॉइंट पे आपको मीन्स गाइड करेंगे फ्रॉम द फिलिंग द बायोडाटा फॉर्म, एक एक पॉइंट पे इवन एक फनी बात है कि जब मैंने ये बायोडाटा शेयर किया मेरे सर के पास, हाँ सर एक बार प्लीज चेक कर लीजिए कि मैं भेज दूंगा कि नहीं इसको, तो सर ने ये भी पॉइंट किया कि आपने ये हैंड राइटिंग थोड़ी ना अच्छी करो इसको, हाँ आपने ये चीज़ यहाँ लिखनी है ऊपर लिखो, तो इतना अगर आप डिटेल्स में किसी को गाइड कर रहे हैं तो इट हेल्प्स एक्चुअली। तो यहाँ मुझे बहुत हेल्प मिली सर ने मुझे, जब मेरी सर से फोन पे बात हुई उन्होंने कम से कम आधा घंटा बात की मेरे से, तो इट वॉज रिलीविंग फॉर मी, मैं ये डिस्कशन किसी और से नहीं कर पा रहा था, तो वो उन्होंने मेरे पुराने इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुने
तो उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ गलती रही, यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रही। तो उसके बाद एक मॉक इंटरव्यू भी हुआ वहाँ पे, अभी मुझे नाम तो याद नहीं है उनका, बट वो एक्स ऑफिसर्स भी थे RBI नाबार्ड के, तो उन्होंने भी इतना मीन्स एंगेजिंग इंटरव्यू लिया मेरा, इतना अच्छा फीडबैक दिया मुझे, तो वहाँ से मुझे एक बेस मिला कि हाँ मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए चीज़ों, तो यहाँ मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और काफ़ी सारे सेशंस भी हुए, जो संजीव सर हैं उनका भी, आपने भी मेमिक सेशन लिया था फाइनेंस का, तो ये सारे सेशंस, इनसे क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत कुछ सीख लोगे, बट आपको एक बेस मिल जाता है कि हाँ आप यहाँ से तैयारी करनी है आपने, तो वहाँ कहूँगा ये इंटरव्यू प्रोग्राम ने मेरी बहुत हेल्प की। सो दिस टाइम वाज कॉन्फिडेंट, हाँ दिस टाइम आई कैन सी, तो दिस प्रोग्राम हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन दैट कॉन्फिडेंस। ग्रेट यस मैम, ग्रेट अश्विनी. सो थैंक्स अगेन फॉर गिविंग दैट डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग ईच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, बिकॉज आपने जो बात यस किया बहुत मेटिकुलसली, सुशील सर ने इसको पूरा डिज़ाइन किया था, ट्रेनिंग सेशंस, फिर 101 गाइडेंस, आप लोग से हम लोग ने रिटन में क्वेश्चन आंसर्स भी लिए थे अराउंड 50 क्वेश्चंस यस के, यस कि यस आप मैम, कैसे आंसर करोगे इसको, कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चंस को, एंड मॉक इंटरव्यू ऑफ कोर्स विद XRBI ऑफिसर, CGM लेवल, सबसे यू नो, ताकि आपको वो फीलिंग भी हो कैसे फेस करना है एंड ऑल. तो यस काफ़ी मेटिकुलसली सर ने डिज़ाइन किया था इंटरव्यू गाइडेंस, ताकि यू नो कोई भी आपकी क्वेरी या कोई भी डर आपके बीच में आए, तो एक टेक्निकल प्रिपरेशन होती है और एक नॉन टेक्निकल होती है कॉन्फिडेंस से, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो एस्पेक्ट्स भी पूरे फुलफिल हों. सो एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूंगा मैम, जो टेलीग्राम ग्रुप है XAMPI का, टारगेट RBI 2023, वहाँ पे सुशील सर काफ़ी पोस्ट करते रहते हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिलती है। इवन आई कैन नॉट, यू कैन से, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो ग्रुप कभी छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे RBI की ही, बट वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देते हैं वहाँ पे, तो दिस प्रोग्राम यू कैन से नॉट इन RBI, आई थिंक इट विल हेल्प मी इन इनसाइड RBI एज वेल। एब्सोल्युटली यस एब्सोल्युटली. यस सो एंड आई मीन ये सेइंग ऑल दिस बिकॉज आई फील दिस, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट XAMPI स्पेशली, बट वट थिंग्स आई गॉट फ्रॉम XAMPI, दैट ओनली आई एम सेइंग। थैंक यू सो मच अश्विनी फॉर सो मच कैंडिड रिस्पॉन्स, एंड आई एम श्योर आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर स्पीकिंग दिस आउट सो लाउडली, बिकॉज वी वुड वॉन्ट टू रीच एंड हेल्प more students, and that's what our mission is, that you know, help students achieve their dreams in the most accurate manner, give them the right kind of guidance, right kind of mentor, जो आपने मेंटर वाला यस पॉइंट बोला ना, क्योंकि दिस इज़ अ फैक्ट कि प्रेपरेशन तो देखिए आप ही को करनी है, पढ़ना आप ही को पड़ेगा. हम मीन्स यस प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको कैसे पढ़ा जाए वो बता सकते हैं, स्ट्रैटेजीज बता सकते हैं, आप कहाँ गलत कर रहे हैं, आप कहाँ पे सही कर सकते हैं वो बता सकते हैं. अल्टीमेटली आपको पढ़ना है तो कोऑपरेशन दोनों तरफ से रहता है, एंड फ्रॉम आर एंड यस वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स रीच देयर ड्रीम्स, एंड यू अप्रिशिएटिंग एंड स्पीकिंग दिस आउट लाउडली हेल्प्स अस रीच मोर पीपल हु लुकिंग फॉर द राइट गाइडेंस एंड द राइट मेंटर्स फॉर देयर यस मैम, प्रेपरेशन. सो थैंक्स यस मैम, थैंक अश्विनी फॉर स्पीकिंग दैट एंड शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस अबाउट यू मैम, योर यस मैम, एक्सपीरियंस. या सो अश्विनी, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपसे पूछूं, आपके इंटरव्यू जो एक्चुअल इंटरव्यू था, सो एक्चुअल इंटरव्यू ज़्यादा टेक्निकल रहा कि नॉन टेक्निकल रहा, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? सो अगर इंटरव्यू भी देखें मैम, स्टार्टिंग तो सर ने ऐसे ही की थी, हाँ, पर आइस ब्रेकिंग की, हाँ आपके नाम का मतलब क्या है, काइंड ऑफ कहाँ से पढ़ाई करी आपने, टू मेक मी कूल, टू मेक मी कंफर्टेबल। धीरे धीरे थोड़ा सा टेक्निकल हुआ, लाइक बैंकिंग टर्म्स, व्हाट इज अ बैंक, व्हाट इज अ मनी मल्टीप्लायर एंड ऑल थिंग, व्हाट इज RADF एंड व्हाट आर मोस्टली द इंटरव्यू वाज प्रोफाइल बेस्ड, मीन्स अगर टेक्निकल क्वेश्चन थोड़े पूछ रहे हैं तो वो भी प्रोफाइल के बेस पे ही पूछ रहे हैं, फॉर्म लोस के बारे में पूछा क्योंकि मेरे प्रोफाइल में है वो थोड़ा, तो सो इट वॉज अ मिक्स ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल थिंग। बट मैं यही कहूँगा कि इंटरव्यू नॉलेज का कभी नहीं था, मैंने 3 इंटरव्यूज दिए, कभी भी नॉलेज का टेस्ट नहीं था। अगर आपको 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप 10 5 क्वेश्चन का जवाब भी दे पा रहे हैं, लेकिन वो आपने अच्छे से दिए, और जिसका जवाब नहीं दिया उनका भी मना भी अच्छे से किया, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट एक्चुअली, तो वहाँ मेरे ख्याल से वर्क करना चाहिए सबको। और ऐसा RBI की या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, जो नबार्ड ग्रेड हो गया, RBI ग्रेड भी हो गया, तो हमें ऐसे तैयारी नहीं करनी चाहिए
कि हम प्री की अलग कर रहे हैं, अच्छा जी प्री क्लियर हो गया तो मेंस की कर लेंगे, मेंस क्लियर होगा तो इंटरव्यू करेंगे। इट इज अ प्रोसेस, आपको फर्स्ट डे से ही इंटरव्यू की तैयारी करनी है। सो यू हैव टू यू कैन से रीड द थिंग्स, स्टडी द थिंग्स लाइक दैट। अगर हम वैसे टैकल करेंगे एग्जाम को तो श्योरली हमारा क्लियर हो जाएगा। ग्रेट अश्विनी, थैंक्स सो मच. आपने नबार्ड मेंशन किया तो नबार्ड की तैयारी में आप कैसे हेल्प किया थी आरबीआई के एग्जाम में? आरबीआई के एग्जाम ने, नबार्ड के एग्जाम ने काफी वेल, क्योंकि जो ESI है वो वी कैन से ओवरलैप होता है दोनों एग्जाम में। दो की डिफरेंट क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल उसमें अलग होता है, उसमें अलग होता है, नॉट इजी टफ, बट उसमें अलग तरीके के क्वेश्चन इकोनॉमी के पूछे जाते हैं उसमें अलग। यस बट वो मीन्स वहां पे मेरे को शायद लगा कि वो स्कीम्स वगैरह हो गई वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी दोनों एग्जाम्स के लिए, तो वहां से मीन्स हेल्प हुई नबार्ड के लिए। जैसे मैं मेंशन करना चाहूंगा कैलाश सर की वीडियोस आती हैं जैसे एग्रीकल्चर के बारे में, एग्री बी करके, तो मैं आई एग्जाम भी से और कुछ नहीं देखता था, बस कैलाश सर की वीडियो भी देखता था तब। तो वहां से क्या होता है कि उनका वे ऑफ टीचिंग इतना अच्छा है कि मेरे को पर्सनली पसंद आया, कि जरूर नहीं सबको पसंद है, वो मुझे पसंद आया। क्योंकि जैसे मैं एग्जाम्पल ही लूंगा, जैसे MSP का कॉन्सेप्ट है तो वो मीन्स आरबीआई में भी आता है, नबार्ड में भी आपको कुछ ऐसा है, तो वो कॉन्सेप्ट मैंने कैलाश सर से सीखा अच्छे से, जो उनकी वीडियोज थी, तो वहां से मुझे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली उस कॉन्सेप्ट। तो इन दिस वे आई एग्जाम भी हेल्प मी फ्रॉम दैट वीडियो। अगर हम कहें कि नबार्ड से आरबीआई से कैसे दोनों में हेल्प मिली, तो वहां से मुझे कैलाश सर की वीडियो से हेल्प मिली। थैंक यू अगेन अश्विनी. दैट्स अगेन एंड वर्क, चाहे कैलाश सर हो, चाहे सुशील सर हो, एंड सो मेनी मोर फैकल्टीज. हम यस मैम, लुकिंग है लीगल में विधिका मैम का रहता है, जीए के तुषार सर रहते हैं, ESI के अमित सर रहते हैं. तो जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज हैं, आइडिया हमारा यही रहता है कि वो जितना सिंप्लीफाई करें, एंड क्योंकि उन्होंने खुद वो स्टूडेंट लाइफ भी जी है, एग्जाम्स दिए हैं, क्लियर किया है, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क भी किया है, तो उन्होंने पूरी एक साइकिल देखी है, एक्सपीरियंस करी है, एंड फिर अब इतने सालों से स्टूडेंट्स को देख भी रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं एग्जाम, तो नो स्टूडेंट्स से वो समझ पाते हैं एंड एकदम इजी वे में बता पाते हैं. तो आई थिंक हम लोग का वो हमेशा एंडेवर रहता है कि हमारी सारी फैकल्टीज बहुत ही क्रिस्प मैनर में, एकदम स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एंड एग्जाम के हिसाब से कंटेंट बताएं. तो ग्रेट, इट इज अगेन हेल्पिंग एंड हेल्पफुल. इट हेल्प्स अस अचीव व्हाट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स. सो यस दैट्स, मैम, यस मैम, तो ग्रेट अश्विनी, वेरी वेरी कैंडिड डिस्कशन विद यू. आई एंजॉयड इट थरली. थैंक यू फॉर टेकिंग ऑन सो मच टाइम. डिटेल में आपने पूरा अपनी जर्नी भी बताई, एंड मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर फाइनली थैंक यू सो मच। अचीविंग योर ड्रीम. एंड वी विश यू अ वेरी वेरी सक्सेसफुल करियर एंड अ वेरी एनरिचिंग करियर विद RBI. यस थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू सो मच। अश्विनी. ओके।